गाइस आज के वीडियो में हम बात करेंगे आप किसी भी Xiaomi, Redmi या फिर Poco डिवाइस में जो iOS का जो होम स्क्रीन का लुक है गाइस वो दे सकते हो इजीली, और इसको करने के लिए कोई रूट वगैरह की ज़रूरत नहीं है गाइस। जो देख सकते हो गाइस मैं इजीली कर चुका हूँ, जो सेम टू सेम आपको iOS जो है गाइस उसका फील देगा, जो देख सकते हो गाइस सब कुछ। और इसका जो लॉक स्क्रीन है वो भी देख सकते हो गाइस, तो देख सकते हो लॉक स्क्रीन में भी आपको जो iOS है उसका फील देगा। ओके और गाइस एस ट्रिप में आज लेके आया हूँ एस ट्रिप होम स्क्रीन और लॉक, और जो लॉक स्क्रीन है उसमें ही आप इसका iOS का लुक दे सकते हो। ओके मेरा और भी कुछ वीडियोस है गाइस जिसमें मैं इसका जो पूरे सिस्टम है पूरे सिस्टम को iOS में कन्वर्ट कर चुका हूँ, और वो वीडियो गाइस आप अगर अभी तक नहीं देखो तो देख सकते हो गाइस, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो गाइस वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट रहेगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नया हो और आप एक Xiaomi, Redmi या फिर Poco यूज़र हो और इस तरह से गाइस होम स्क्रीन सेटअप रिलेटेड Xiaomi थीम्स रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हो तो इजीली गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। यार बहुत सारे ऐसे यूज़र हो जो मेरे वीडियो को देखते तो है लेकिन सब्सक्राइब करे बिना चले जाते हैं, तो प्लीज़ यार क्या जाती है एक सब्सक्राइब करने से, यार प्लीज़ कर दो सब्सक्राइब। ओके तो गाइस फुल सेटअप देखने से पहले मैं सबसे पहले आप लोगों को इसका जो फुल फीचर्स वगैरह है वो देखाना चाहता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले गाइस आप इसका लॉक स्क्रीन देख लो, जिसका लेफ्ट साइड में गाइस आपको जो फ्लैश लाइट मिल जाएगा और जो राइट साइड है गाइस उसमें आपको जो कैमरा मिल जाएगा। ओके जो इजीली यहाँ से आप डायरेक्टली कैमरा पे एंटर कर सकते हो, और इसका जो है जेस्चर बार है वो थोड़ा बोल्ड मिल जाएगा, और यहाँ पर लिखा है स्वाइप टू अनलॉक के इस तरह से मिल जाएगा, और जो क्लॉक वगैरह है वो आपको थोड़ा बोल्ड की तरह मिल जाएगा जो अच्छा ही लगता है देखने में। और गाइस इधर से अगर आप स्वाइप डाउन करेगी तो आपको जो iOS का जो कंट्रोल सेंटर है गाइस वो आपको देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पर सारे जो टगल्स वगैरह है वो फुली वर्किंग है, ठीक है। तो मैं अगर डेटा ऑन करूँगा तो देख सकते हो गाइस इजीली डेटा ऑन है गया, और फोन साइलेंट वगैरह भी आप इधर से इजीली कर सकते हो, सब कुछ टगल्स वर्किंग है। म्यूजिक को अगर मैं प्ले करना चाहता हूँ तो गाइस आप देख सकते हो जो म्यूजिक है मैं ओपन किया तो देख सकते हो इजीली हो गया, और इधर से चेंज वगैरह भी कर सकते हो। और यहाँ पर अगर आप डबल टैप करोगे गाइस तो यहाँ पर अभी आपको जो म्यूजिक का जो मीडिया का प्लेयर ऑप्शन है वो आ जाएगा, और इधर एक ऑप्शन है गाइस देखो स्क्रीनशॉट जैसा, तो यहाँ पर अगर टैप करोगे तो इसका iOS का जो गाइस म्यूजिक का प्लेयर है वो ओपन हो जाएगा। ओके और स्टार्ट पर ऐप ऐसे आप करोगे तो अनलॉक भी हो जाएगा, अदरवाइज गाइस आप यहाँ से डायरेक्टली स्वाइप टू अनलॉक कर सकते हो। ओके और इस तरह से होम स्क्रीन की बात करें तो देख सकते हो इस होम स्क्रीन में आपको जो इसका विजेट्स वगैरह है वो आपको न्यू लुक के साथ मिल जाएगा, और जो सेम टू सेम गाइस आपको iOS का फील देगा। और इधर से गाइस आप टैप करेगी डुअल टैप तो आप चेंज वगैरह भी कर सकते हो, जो आपको विजेट्स गाइस पसंद है वो आप इजीली यहाँ पे ऐड कर सकते होगे जो देख सकते हो, और इधर का जो विजेट है वो भी आप चेंज कर सकते हो जो इजीली है गाइस, कोई प्रॉब्लम नहीं है देख सकते हो। और ये वाला भी विजेट देख सकते हो, यहाँ पे एक ही विजेट है वो मैं अलग तरीके से ऐड किया हूँ, लेकिन कोई रूट वगैरह की ज़रूरत नहीं है गाइस, इजीली Xiaomi थीम से अप्लाई किया हूँ, ठीक है। और कुछ फीचर्स की बात करें तो गाइस आप यहाँ पर अगर वन टैप करोगे ठीक है तो ये वाला एक ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हो गाइस इसका जो शैडो है वो थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, तो आप इजीली यहाँ से डायरेक्टली से इसे कर सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो गाइस जो ए वाला बॉर्डर है गाइस शायद आप नोटिस हो रहे हैं यहाँ पर जो देख सकते हो ऊपर चला गया, जो खास नहीं लग रही है देखने में। ओके आप इधर से इसको मैनेज कर सकते हो कहाँ पर आप इसको रखना चाहते हो, तो इजीली इधर से कर सकते हो, जो एक अलग ही लुक देता है गाइस, जो iOS का फील एक कुछ और ही देता है। और यहाँ से अगर आप टैप करोगे तो ये डार्क के साथ हो जाएगा। ओके तो आपको अगर डार्क पसंद है तो आप डार्क रख सकते हो, वाइट से रखना चाहते हो तो वाइट भी कर सकते हो। ओके और यहाँ पर देख सकते हो गाइस अंदर का जो वॉलपेपर है उसमें भी आप ब्लर ऐड कर सकते हो, अगर मैं इसको ऑफ कर दूँ तो वॉलपेपर में ब्लर वगैरह आपको नहीं होगा, ठीक है। जो देख सकते हो गाइस अभी नोटिस नहीं हो रहे कुछ, वॉलपेपर चेंज करने बाद ये अप्लाई हो जाएगा। ओके जो आपको इस तरह से मिल जाएगा, और ये वाला ऑप्शन देख रहे हो गाइस यहाँ से आप डायरेक्टली वॉलपेपर को चेंज वगैरह भी कर सकते हो, देख सकते हो इजीली। और यहाँ से आप रजिस्टर्ड वगैरह भी कर सकते हो पहले जैसे, तो फिर से आप यहाँ से सही कर लेना स्टार्ट हो गया था, जो देख सकते हो गाइस कुछ इस तरह से आपको मिल जाएगा। और
कुछ बात करेगा ऐसा, अगर आप इसको हटाना चाहते हो तो यहाँ पर डायरेक्टली टैप कर दोगे तो ये ईजिली हट जाएगा। अगर ले आना चाहते हो तो यहाँ पर सॉरी हाँ इधर से भी आ जाएगा, तो देख सकते हो ऐसे आप वॉलपेपर वगैरह को चेंज कर सकते हो, जो कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइस, ईजिली कर सकते हो सब कुछ। और इसका जो आइकॉन्स वगैरह है गाइस वो भी कुछ अलग लेवल का है जो मैं ऐड किया हूँ इसमें, जो देख सकते हो सेम iOS का ही फील देगा गाइस, कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं है, तो इस तरह से आपको मिल जाएगा। ओके तो चलो गाइस अब मैं फुल जो ट्यूटोरियल है वो दिखा दूँ आप लोगों को। मैं सबसे पहले इसको नॉर्मल कर लेता हूँ। ओके तो ये देख सकते हो मेरा जो होम स्क्रीन है उसका लुक नॉर्मली हो चुका है, कोई सेटअप वगैरह नहीं है, तो मैं आपको फिर से जो सेटअप करके दिखा रहा हूँ। ठीक है तो सबसे पहले गाइस आप अपने फ़ोन का जो विजेट्स ऑप्शन है आप पर चले जाना। ठीक है जो विजेट्स ऑप्शन में जाने के बाद ए वाला जो विजेट्स है उसको ऐड कर लेना, और MIUI 13 में भी गाइस ए वाला विजेट्स आप ऐड कर सकते हो। तो कैसे कर सकते हो वीडियो मिल जाएगा, नहीं मिल रहा है तो चेकआउट कर सकते हो, अदरवाइज ग्रुप में ज्वाइन होकर बोल सकते हो कि मैं बता दूंगा। उसके बाद गाइस आप यहाँ पर जो कुछ एप्लीकेशन ऐड कर लेना, तो मैं जो जो कर रहा हूँ वो आप ऐड कर लेना, और आप वही एप्लीकेशन को यूज़ मतलब ऐड करना जो आप यूज़ करते हो। ओके तो ऐसे में टेलीग्राम यहाँ पर दो ऐड करना। ओके उसके बाद गाइस ऊपर में आप 4 ऐड कर लेना। ठीक है तो चलो गाइस मैं सिर्फ डेमो दिखाने के लिए कुछ ऐड कर रहा हूँ जो आप यूज़ करते हो, आप उसको ऐड करना डाउनलोड। ओके ऐसे ऐड करने के बाद गाइस तो ऐसे ऐड करने के बाद आप फिर से विजेट्स ऑप्शन पे जाना। जाने के बाद गाइस गूगल सर्च बार का जो विजेट्स है उसको ऐड करना। उसके बाद गाइस मेरा तो मैं कस्टमाइज कर चुका हूँ, आप भी यहाँ पर जाने के बाद सेटिंग में जाने के बाद सेटिंग सर्च विजेट्स जाने के बाद कस्टमाइज विजेट्स जाने के बाद ए नॉर्मल 0 कर देना। उसके बाद बैक ए वाला कर देना, बैक में आना मिडिल वाला जो सेंटर वाला इसको कर लेना, ये वाला फोकस नहीं हो रही है गाइस। उसके बाद फिर से बैक आना गाइस, बैक आने के बाद गूगल का ए वाला कर लेना। ठीक है ये वाला उसके बाद डन। सो गाइस हो चुका है। ओके उसके बाद गाइस आप इसका जो टच एंड प्रेस करके रखोगे छोटा हो जाएगा, यहाँ पर ले आना सॉरी यहाँ पर। ओके उसके बाद गाइस आप चले जाना थीम स्टोर पे। थीम स्टोर पे जाने के बाद गाइस सबसे पहले आपको ए वाला थीम्स को डाउनलोड करना होगा, जो थीम का नेम देख सकते हो गाइस बोस UI V13। ठीक है फोकस ले ए वाला थीम देख सकते हो गाइस ए वाला, इसका जो होम स्क्रीन और लॉक स्क्रीन में आप ऐड कर लेना। ठीक है आप चाहो तो गाइस सिस्टम में भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन मैं सिस्टम में तो फोकस नहीं किया, सिर्फ फोकस किया हूँ गाइस लॉक स्क्रीन और होम स्क्रीन, तो इसलिए गाइस मैं इसका जो होम स्क्रीन और जो लॉक स्क्रीन उसमें अप्लाई करने वाला हूँ। तो सबसे पहले इसको अप्लाई कर लेता हूँ गाइस। तो गाइस अप्लाई हो चुका है। उसके बाद गाइस आपको बैक में आना होगा, आने के बाद किल ब्लैक ए वाला जो थीम देख रहे हो गाइस इसको भी आपको डाउनलोड कर लेना होगा सबसे पहले गाइस, और नॉर्मली गाइस ये थीम स्टोर पे मिल जाएगा तो इजीली वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। ओके उसके बाद गाइस इसका जो आइकॉन्स है उस पर आप इसको अप्लाई करना। ठीक है सिर्फ आइकॉन्स पैक में, तो आइकॉन्स पैक में अप्लाई कर चुका हूँ। उसके बाद गाइस और एक थीम आपको डाउनलोड करना होगा ए वाला जो स्टारडस्ट देख सकते हो गाइस नेम स्टारडस्ट V12। ओके इसको आपको डाउनलोड करना होगा और कहीं पर भी अप्लाई नहीं करना होगा, अब आपको होम स्क्रीन पे आना होगा। तो होम स्क्रीन पे आने के बाद आप इसका लुक देख सकते हो इस कुछ इस तरह से। और विजेट्स की बात करें तो यहाँ पर आप 3 टाइप के विजेट्स ऐड कर सकते हो, एक है गाइस डिजिटल क्लॉक और एक है गाइस विजेट स्टाइल और एक है मीडियम विजेट्स। तो मैं रिकमेंड करूँगा गाइस आप स्मॉल विजेट जो ए वाला इसको करना, उसके बाद ऐसे आप चेंज वगैरह कर लेना जो आपको पसंद है। ठीक है तो आपको पसंद है वो आप ऐड कर लेना। ऐड करने के बाद गाइस इसका जो पोजीशन है जो देख सकते हो गाइस बॉर्डर जो ब्लर ब्लर हो रहे जो बॉर्डर उसको आप सही से पोजीशन कर लेना। ठीक है जो देख सकते हो गाइस पोजीशन सो आप हो चुका है गाइस सही, हाँ देख सकते हो पोजीशन हो चुका है। उसके बाद गाइस आप इसका जो वॉलपेपर है उसको थोड़ा ब्लर कर देना, जो देख सकते हो ब्लर हो चुका है। उसके बाद गाइस आप इसको चेंज कर लेना वॉलपेपर। ठीक है जो कलर हाँ ए वाला अब नेक्स्ट हो गया जो भी हो, जो इसको ही मैं ऐड करता हूँ जो आपको पसंद है गाइस, तो अपने आपके ओपिनियन जो आपको पसंद है वो आप ऐड कर लेना। उसके बाद आप इसको हाइड कर देना। ठीक है उसके बाद फिर विजेट्स ऑप्शन पे जाना,
जाने के बाद जो स्टार डस्ट वाला विजेट से इसको आप यहाँ पर ऐड कर लेना। ओके, तो आप देख सकते हो इसका लुक, और यहाँ पर आपको जो बैटरी परसेंटेज है वो भी शो हो जाएगा, लेकिन अभी अप्लाई किया हूँ इसलिए शो नहीं हो रहा है, ठीक है। कुछ टाइम बाद ये ऑटोमेटिक शो हो जाएगा, और लॉक स्क्रीन में भी देख सकते हो चेंज हो चुका है, और हाँ ये देख सकते हो बैटरी परसेंटेज भी आपको अभी तक देखने को मिल रहा है। ओके, तो इस तरह से गाइस आप नॉर्मल तरीके से अपने Xiaomi Redmi या किसी भी Redmi और ये MIUI 12, MIUI 13, MIUI 14 सारे डिवाइस में भी वर्किंग हो जाएगा। ओके, तब इजीली कर सकते हो। सो आई होप गाइस वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना, और इस तरह से और भी कंटेंट देखना चाहते हो तो प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब कर देना। तो चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।